हर रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए या फिर बच्चों के टिफिन के लिए अलग से आप क्या बनाना है जो खाने के लिए हेल्दी भी हो और झटपट भी बन जाए, इसका बहुत टेंशन रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन, नूमज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गेहूँ के आटे से और बेसन के आटे से हेल्दी से पराठे, जिसे आप ब्रेकफास्ट के लिए भी ले सकते हो या फिर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। उसके साथ बनाने वाली हूँ शेंगदाने के चटपट बनने वाली चटनी। वीडियो लास्ट तक देखिए, चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, 2 बाउल गेहूं का आटा ले रही हूँ। उसके साथ लिया है चिली फ्लेक्स, अजवाइन, जीरा, अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज। और उसके साथ लेने वाली हूँ बेसन का आटा। सबसे पहले गेहूं के आटे में मैं डालने वाली हूँ बेसन। उसके साथ डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक, तेल, चिल्ली फ्लेक्स, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हो, बारीक कटा हुआ प्याज, जीरा, अजवाइन, धनिया और नमक। इसे सबसे पहले हाथों से आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डालने वाले हूँ थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक डो हम रेडी कर लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए फिर पराठे के लिए डो लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे डो लगाना है। तो डो लग गया है, इसे ऑयल लगाने के बाद छोड़ने वाली हूँ 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। तो इसे मैं रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा भी हमारा परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। तो इसे मैं छोटे छोटे आटे के इस तरह से निकाल लूंगी और इसे मैं बेलने वाली हूँ। जैसे हम रोटी या फिर पराठे बेलते हैं ना, उस तरह से हमें अंदर से ऑयल लगाना है, थोड़ा सा आटा लगाना है और उसकी रोटी हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है, तवा गरम होने के लिए मैंने ऑलरेडी रखा है। तवे के ऊपर डालने वाली हूँ पराठे और दोनों साइड से उसे मैं सेकने वाली हूँ। यहाँ पे ऑयल या फिर घी तुरंत नहीं छोड़ना है, उसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हम पहले कुक कर लेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ऑयल। आप चाहे तो घी में भी इसे बना सकते हो या फिर बटर भी लगा सकते हो। ऑयल लगा के दोनों साइड से पराठे को मैं अच्छी तरह से सेकने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे पराठा भी रेडी हो चुका है, तो बाकी के पराठे भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूंगी। दोनों साइड से अच्छा गोलमन होने तक पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है। उसके साथ चटनी बनाने वाली हूँ, तो शेंगदाने रही थी उसे तवे में थोड़ा सा भून लिया था, आप चाहे तो उसको ऊपर का छिलका भी निकाल सकते हो। उसमें डालने वाली हूँ ग्रीन चिलीज और रोस्टेड चना दाल, बारीक कटा हुआ धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। ऑयल में डाला था राई और जीरा फ्राई करने के बाद इसमें डालने वाली हूँ हमारी चटनी का मिश्रण जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किया था, थोड़ा सा हींग भी डालना है।
और मिश्रण को हम थोड़ा सा फ्राई करने वाले हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो मिश्रण हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा दही या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हो, थोड़ी सी चीनी स्वाद के अनुसार, और इसे हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे झटपट बनने वाली चटनी रेडी हो चुके हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे गाढ़ी या पतली चटनी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे चटनी भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।